धन्यवाद में सभी का स्वागत है। ये माननीय जिलाधिकारी महोदय के अध्यक्षता में अभियान शुरू होना था, अभी उनके कोई गेस्ट अचानक आ गए तो आने में वो असमर्थ है। माननीय महापौर आने वाली है। आज स्वच्छता अभियान महात्मा गांधी की जयंती के उपलक्ष्य में ये मनाया जा रहा है। महात्मा गांधी ने जाति भेद धर्म से सभी धर्मों को एक समान मानते हुए इस माना और स्वच्छता को सर्वोपरि माना। स्वच्छता आप अपने शहर से देश का और राष्ट्र का करने के उपरांत ही स्वच्छ बन सकते हैं। अपने मन को स्वच्छ बनाएं, अपने परिवार को स्वच्छ बनाएं, देश को स्वच्छ बनाएं, राष्ट्र को स्वच्छ बनाएं। स्वच्छता मीन्स है मन के बाहर के गांधी के दिए हुए मार्गदर्शन में हमें स्वच्छता अभियान चलाएं। उसी उद्देश्य से हमने ये प्रोग्राम रखा है जिसमें हम सभी का स्वागत करते हैं। जय हिंद। परम आदरणीय हमारे माननीय स्वतंत्र संग्राम सेनानी तिवारी जी, श्री मोहन नेपाली जी, हमारे सीमा साहब, अपर नगर साहब त्रिपाठी जी, सोलंकी जी, सभी उपस्थित जन समुदाय साथियों, आज हमारे स्वच्छता अभियान को, स्वच्छ भारत अभियान को एक साल पूरा हो गया है। आज के 2 अक्टूबर के दिन से शुरू किया गया था और आज की 1 वर्ष पूरा होने पर आज हम लोग पुनः इकट्ठे हुए हैं। पिछले साल भी हम लोगों ने यहीं से सफाई अभियान शुरू किया था, यहाँ से लेकर नीचे मिनरवा चौराहे तक सफाई की थी। हमारे स्वतंत्र संग्राम सेनानी जी हैं तिवारी जी, उन्हीं की अध्यक्षता में हम योग कर रहे हैं। ये हम सब भी आने वाले हैं और देखने में आ रहा है कि पिछले साल जो प्रोग्राम शुरू किया गया था उससे अब बहुत अंतर आ गया है। एक साल के अंदर हम लोगों के अंदर जो जागरूकता पैदा हुई है और उससे जो लोगों को प्रेरणा मिल रही है वो बहुत ही काबिल तारीफ है। हम चाहेंगे कि ये लोग अपने घर की सफाई के साथ साथ मोहल्ला पड़ोस की, अपने जहाँ कार्य कर रहे हैं वहाँ की, क्योंकि कार्य जहाँ कर रहे हैं वो भी आपकी पूजा का बराबर होता है, उसकी सफाई करें। और सबसे बड़ी सफाई अपने मन की सफाई करें, अपने अंदर की सफाई करें, जिससे किसी के प्रति द्वेष भावना ना रहे, एक दूसरे से बैर ना रहे, एक दूसरे के प्रति प्रेम भावना बनी रहे, यही हमारी कामना है। इसी के साथ ही अपना प्रोग्राम शुरू करते हैं। धन्यवाद।